मथुरा में प्रशासन ने एक एनजीओ के साथ जलभराव को लेकर, जो जलभराव हो जाता है उसको लेकर मंथन किया कि किस तरह से निजात पाई जाए, और इस दौरान प्रशासन ने बरसाती पानी को यमुना तक पहुंचाने के लिए चर्चा की, साथ ही नजफगढ़ ड्रेन को साफ करके उसके पानी के प्रयोग पर भी विचार किया गया। साइबर सिटी के घाटा गांव से लेकर फाजिलपुर होते हुए नजफगढ़ तक एक रेन वाटर ड्रेन बनाया हुआ है, जिससे बारिश के समय यमुना में पानी आ जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में शहर विकास के बाद सोसाइटी का सारा गंदा पानी ड्रेन में जाने लगा, और यही कारण है कि नजफगढ़ ड्रेन भी गंदी हो गई, जिसे अब साफ करना जरूरी है। जमीन के अंदर एक्वीफर्स के अंदर नहीं डाल पाएंगे तो हम यहाँ से उजड़ जाएंगे, तो उसको दोबारा से वाटर चैनल को दुरुस्त करने के लिए, उसके वाटर शेयरिड एरियाज को साफ रखने के लिए और यहाँ के लोगों के पानी के स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए एक ये मुहिम डीएलएफ ने और उनके सीएसआर के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने छेड़ी है, और हमारे को सुझाव दिए हैं एक्सपर्ट्स ने, चाहे इंडिया वाटर कंजर्वेशन वाले हों या दिल्ली के कुछ सरकारी मुलाजिम हों या हरियाणा के हमारे यहाँ निगम कमिश्नर या रेवेन्यू कमिश्नर हों, सब ने कुल मिलाकर के सिटीजनरी के साथ मिल करके एक इनिशिएटिव उठाया है, और मैं समझता हूँ कामयाब होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव रणजीत सिंह ने कहा है कि योजना काफी कामयाब होगी और इससे शहर के जल स्तर में भी बढ़ोतरी होगी और शहरवासियों को शुद्ध पानी मिलेगा। वही गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 4 में आयोजित एक सेमिनार में यह मंथन किया गया कि समस्या से कैसे निपटा जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी के कारण साइबर सिटी में पानी निकासी की सबसे बड़ी दिक्कत है, और पानी निकासी के लिए ड्रेन को साफ करने की भी जरूरत है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन और एक एनजीओ इसे मिलकर साफ करेंगे। Reuse it within the district for different type of usages, whether it's irrigation, gardening, construction and so on and so forth. Thanks a lot. इस पूरी योजना को किस तरह से पूरा किया जाए, इसके लिए प्रशासन और एनजीओ अगले 10 दिनों में एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि पर्यावरण को शुद्ध करने के साथ साथ ड्रेन की सफाई कितनी कारगर सिद्ध होगी, जिससे पूरे शहर को भी बाढ़ और जल भराव से मुक्त किया जा सके। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए मनु मेहता की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही।